इनकार किया जिन्होंने मुझे मेरा समय देखकर, इनकार किया जिन्होंने मुझे मेरा समय देखकर, वादा है उन्हें ऐसा समय लाऊंगा एक दिन कि मिलना पड़ेगा उसे खुद मेरा समय निकल। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे और अपने YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हमने आप लोगों को प्रतिशत का जो भी क्वेश्चन बन रहा था उसका कॉन्सेप्ट भी आपको दे दिया था और स्पेशल क्लास भी आप लोगों के लिए मैं अटेम्प्ट कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वो पहला वीडियो नहीं देखे, पिछला वाला वीडियो, प्रतिशत का वीडियो, तो पहले आप जो उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। मैं इसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास हम लोग जो है मतलब करेंगे, आज का क्लास करने वाले हैं आज लाभ हानि या प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग क्या जानेंगे, इसमें हम लोग जानेंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि के बारे में। बस इसमें मात्र चार शब्द जो है आप लोगों को जाननी चाहिए, इसमें ओनली चार शब्द है, लाभ हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इसके बारे में अगर आप लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं किसको क्रय मूल्य कहते हैं, किसको विक्रय मूल्य कहते हैं, किसको लाभ कहते हैं और किसको हानि कहते हैं, तो आपका जो है यह चैप्टर आसान लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले जानते हैं अपना लोग कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य कहने से ही आपको इसका अर्थ आप लोगों को पता चल जाता है। क्रय मूल्य, अगर हम किसी और व्यक्ति से, किसी और आदमी से कुछ खरीदते हैं, जितना रुपया हम उससे कुछ मतलब सामान खरीदे हैं, वो जो रुपया से खरीदे हैं वह रुपया हुआ क्रय मूल्य। ठीक, मान के चलते हैं हम उससे कोई सामान जो है 50 रुपया में खरीदे, तो मेरा जो है 50 रुपया हमने उसको दिया, तो वो हुआ मेरा क्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य मतलब आप उससे खरीदे हैं तो वो हो गया क्रय मूल्य। अगर हम वही सामान किसी और के हाथ बेचते हैं, मान के चलते हैं आप इनके 50 रुपया में खरीदे और आप उसको बेच रहे हैं 80 रुपया में, तो 80 रुपया में जो बेचे वो हुआ विक्रय मूल्य। ठीक, वो क्या हुआ विक्रय मूल्य। अब इसमें लाभ कितना हुआ और हानि कितना हुआ, इसमें मतलब आपको फायदा कितना हुआ। आप इनकी 50 रुपया में कोई सामान खरीदे और उसी सामान को जो है आप 80 रुपया में सेल कर दिए यानी कि बेच दिए, तो आपको फायदा कितना हुआ, आपको फायदा हुआ 30 रुपया, वन फायदा। तो आपको जो फायदा हुआ 30 रुपया वो आपका लाभ हुआ, क्या हुआ लाभ। अगर वहां पे अगर हम लोग जो है जैसा कि आप लोग 50 रुपया में खरीदे, अगर उसको आप 40 रुपया में बेच देते, आप 50 रुपया में खरीदे किए और उसको आप इनकी बेच रहे हैं 40 रुपया में, तो आपको घाटा लग जाता। कितना का घाटा लगता, तो 10 रुपया का उसमें घाटा लगता। जो घाटा लगा वह हुआ आपका हानि। बस इतना ही जो कॉन्सेप्ट आप लोग को जानना चाहिए इस मतलब चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस पर एक छोटा सा सवाल लेते हैं आप लोग को समझाने के लिए, क्योंकि यह एक मतलब है कि बेसिक लेवल का क्लास है, स्टार्टिंग क्लास है, इसलिए जो है इसमें एक छोटा सा क्लास मतलब क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं रमेश एक गाय को 10,000 रुपया में बेचता है, इससे उसे 2,000 की हानि होती है, तो रमेश का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाले। ठीक है दोस्तों, आप लोग के सामने जो है क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है रमेश एक गाय को कितना रुपया में बेचता है, तो बेचा तो वो हुआ विक्रय मूल्य। हमने आपको अभी समझाया था जितना रुपया में बेचता है वो क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य हो गया इतना रुपया। ठीक, इससे उसे जो है 2,000 की हानि हो गई। कितने हजार की हानि हो गई, 2,000 की हानि हो गई। ठीक, पहले आप लोग जो है यहाँ पे लिख लीजिए, पहले अगर आप लोग इनकी लिख लेते हैं उससे जो है सॉल्व करने में आसानी होगी। विक्रय मूल्य 10,000, ठीक,
और हानि, हानि कितना हो रहा है, घटा कितना हो रहा है, 2000 का इसमें घटा हो रहा है, 2000 का इसमें घटा हुआ। तो क्वेश्चन में कह रहा है रमेश का क्रय मूल्य कितना, मतलब वह जो है कितना में खरीदा। अब थोड़ा आप लोग इनकी दिमाग लगाइए कि रमेश जो है कि एक गाय को बेच रहा है 10,000 रुपया में, ठीक, और उसको 2000 की हानि हो गई। इसका मतलब है कि वह 12,000 में खरीदा होगा, 12,000 में खरीदा, उसके बाद ही ना उसको 2000 की हानि हो गई, ठीक। तो यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 12,000। अब ये 12,000 जो है कैसे हुआ, तो हम लोग इसमें क्या किए, विक्रय मूल्य को हानि में ऐड कर दिए, मतलब विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो यह जो है फॉर्मूला बन गया, ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला बन गया विक्रय मूल्य प्लस हानि, यानी कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। इसको मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है, अच्छा मान के चलिए आप ही पे लेते हैं, आप किसी भी सामान को 6 रुपया में बेचते हैं और उसमें जो है 1 रुपया क्या आपको घाटा लग जाता है, तो इसका मतलब है कि आप जो है उस सामान को 7 रुपया में खरीदे होंगे, इसलिए जो है आपको इसमें 1 रुपया की घाटा हो रहा है, क्योंकि आपने उसे 6 रुपया में बेच दिया, 7 रुपया में खरीदे थे और आप उससे जो है 6 रुपया में बेच दिए, तो 1 रुपया की आपको हानि हो गया। वही बोल रहा है इसमें भी, यह जो है एक गाय को 10,000 रुपया में बेचता है और इसमें उसको जो है 2,000 की घाटा लग जाता है, तो इसका मतलब है कि वह जो है उस गाय को 12,000 रुपया में खरीदा होगा, ठीक। आइए इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद जो है आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मनोज, मनोज एक मोटरसाइकिल, मनोज एक मोटर मोटर साइकिल को 60,000 होना चाहिए, क्या कि 6,000, हाँ 6,000 में, 6,000 में बेचता है, इससे उसे 2,000 की लाभ होता है, तो क्रय मूल्य निकाले, क्रय मूल्य बराबर वाट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है मनोज जो है एक मोटरसाइकिल को कितना में खरीद रहा है, मतलब बेच रहा है, तो 6,000 रुपया में उसको वह जो है बेच रहा है, 6,000 में बेच रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य यहां लिख लेंगे, विक्रय मूल्य बराबर 6,000, ठीक। और फिर बोल रहा है इससे जो है उसे 2,000 का लाभ हो जाता है, इससे उसे लाभ कितना का होता है, लाभ होता है 2,000 का लाभ हो जाता है, ठीक। और क्वेश्चन बोल रहा है इसका तो क्रय मूल्य वह कितना में खरीदा। अब थोड़ा आप इनकी दिमाग लगाइए, आप जो है किसी भी सामान को एक मोटरसाइकिल को 6,000 रुपया में बेचते हैं और उसमें जो है आपको 2,000 रुपया फायदा हो जाता है, इसका अर्थ है कि आप जो है उस मोटरसाइकिल को कितना में खरीदे, तो 4,000 रुपया में खरीदे होंगे उस इनकी मोटरसाइकिल को, ठीक, इनकी 4,000 रुपया में खरीदे, उसके बाद ही ना आपको जो है आप उसे इनकी 6,000 में अगर इनकी बेचते हैं तो आपको उसमें 2,000 का लाभ होता है, ठीक। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया इसमें विक्रय मूल्य माइनस लाभ। आपको जो है इस चैप्टर में कोई भी सवाल में जो है क्रय मूल्य रहेगा, विक्रय मूल्य रहेगा, लाभ रहेगा या हानि रहेगा, इतना ही इनकी इनकी रहेगा। अगर आपको उसमें क्रय मूल्य रहेगा तो उसमें कहेगा विक्रय मूल्य निकाले, लाभ निकाले, हानि निकाले, मात्र इतना ही, चार ही शब्द पर जो है यह क्लास जो है खत्म हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, दीपक एक मोटरसाइकिल, मोटर साइकिल
दीपक एक मोटरसाइकिल जो है 8,000 रुपया में, 8,000 रुपया में, 8,000 रुपया में खरीदता है, 8,000 रुपया में खरीदता है, इसकी मरम्मत में, इसकी मरम्मत में, इसकी मरम्मत में उसे 2,000 रुपया खर्च होता है, इसकी मरम्मत में उसे उसे 2,000 रुपया, 2,000 रुपया खर्च होता है। तत्पश्चात उसे 9,000 रुपया में, 9,000 रुपया में, 9,000 रुपया में बेच देता है, बेच देता है। तो लाभ या हानि निकाले, लाभ या हानि निकाले। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है अगर कहीं पे किसी का नाम रहे तो वहां जो है आप अपना नाम लेके चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है दीपक एक मोटरसाइकिल 8,000 रुपया में खरीद रहा है, ठीक, इसकी मरम्मत में उसे 2,000 रुपया खर्च करता है। आप मान के चल दिए यह एक गाड़ी है, ठीक, गाड़ी को आप खरीदे हैं कितना में, 8,000 रुपया में खरीदे हैं, ठीक। फिर जो है गाड़ी जो है खराब हो जाता है और इसकी मरम्मत में आपको जो है 2,000 रुपया खर्च होता है। इसमें खर्च कितना होता है, 2,000 रुपया खर्च होता है। कहने का मतलब हुआ आपका इस गाड़ी में कुल कितना खर्च हुआ, तो 8 × 2 = 10,000 रुपया आप जो है इस गाड़ी में खर्च किए, ठीक। आप जो कोई भी यानी कि बाइक जो खरीदते हैं तो उसका मतलब है कि इंश्योरेंस होता है, पॉलिसी होता है, ठीक है दोस्तों, उसमें आपको जो खर्चा होता है उस खर्चा को आप लोग इनकी जोड़ते हैं ना, उसी प्रकार जो है इसमें कहा गया है यह एक गाड़ी जो है 8,000 रुपया में खरीदा, ठीक, और उसको उसमें जो है 2,000 रुपया उसका खर्च हो गया किसमें, मरम्मत करने में, कि ठीक ठाक करने में। तो उसका जो है कुल खर्च कितना हुआ, कुल खर्च हो गया उसका 10,000 रुपया, ठीक। तो इसका यह क्रय मूल्य हुआ ना, तो क्रय मूल्य हुआ मतलब खरीदा इतना रुपया में, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, तो क्रय मूल्य हो गया उसका 10,000 रुपया, क्रय मूल्य हो गया 10,000 रुपया। फिर बोल रहा आगे, आगे फिर बोल रहा है उससे जो है वह 9,000 रुपया में बेच देता है। इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य, बेचना मतलब होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 9,000 रुपया में वह जो है बेच दिया। अब आप ही मान के चलिए आप एक बाइक को खरीदे हैं 8,000 रुपया में खरीदे हैं, उसमें 2,000 रुपया और ऊपर से खर्चा किए हैं, तो कुल खर्चा होता है उस बाइक में आपको 10,000 रुपया उसमें खर्चा होता है, और आप उसको जो है 9,000 में इनकी बेचते हैं। इसका मतलब है कि आपको 1,000 रुपया घाटा लग रहा है, तो आपको जो है 1,000 रुपये इसमें घाटा लग रहा है यानी कि हानि हो रहा है। तो इसमें फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया हानि बराबर हो गया फॉर्मूला क्या, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है, आप लोग इनकी किताब में इनकी पढ़ते होंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला जो है इससे ही बनता है, ठीक है, आपके मतलब कि रोजमर्रा जो काम करते हैं उससे ही जो है फॉर्मूला यह बन जाता है, ठीक है। आइए इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। आपको यह क्वेश्चन तो यानी कि देखने में लंबा लगा लगता होगा, क्वेश्चन पहले अच्छी तरह से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है दीपक ने एक मशीन को जो है 9,000 रुपया में खरीद रहा है, दीपक एक मशीन को 9,000 रुपया में खरीदा, ठीक। उसके बाद जो फिर बोल रहा है 2 साल बाद इनकी रमेश को उसने जो है 8,000 रुपया में बेच देता है, 8,000 रुपया में उसे बेच दिया। रमेश इस मशीन की मरम्मत में 2,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करता है। अब निकालते हैं, सॉरी यहाँ पे गणेश होगा, यहाँ पे रमेश होगा, यहाँ पे रमेश होगा, ठीक। अब निकालते हैं रमेश का कुल खर्च। अब देखिए रमेश जो है उस मशीन को खरीदा है कितना में, 8,000 रुपया में खरीदा है, ठीक। फिर इस मशीन को इनकी ठीक ठाक करने में उसने खर्च किया 2,000 रुपया खर्च किया, यानी कि उसने जो है कुल कितना खर्च किया, कुल 10,000 रुपया जो है वह इस पे खर्च किया, ठीक। उसके बाद फिर बोल रहा है रमेश ने इसे
11,000 रुपया में बेच दिया। तो यह हो गया रमेश का क्रय मूल, रमेश का क्रय मूल, और इसका विक्रय मूल कितना दिया है? विक्रय मूल बोल रहा है 11,000 रुपया में उसने जो है बेच दिया। अब आप ही बताइए, वह जो है किसी भी सामान को खरीदता है 10,000 रुपया में और बेचता है 11,000 रुपया में, इसका मतलब हुआ कि उसको 1,000 रुपया फायदा हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है। लाभ कितना निकल गया? लाभ हो गया 1,000 रुपया जो है उसको लाभ हो गया। ठीक, क्वेश्चन में मतलब वही बोल रहा है रमेश का लाभ या हानि निकालने के लिए। आइए इस पर एक एक और क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों दोस्तों क्वेश्चन है, एक अंडा विक्रेता 1.80 रुपया की दर से, एक अंडा विक्रेता जो है 1.80 रुपया की दर से 45 अंडा खरीदता है। एक बात यहां जान लीजिए, वह कितना रुपये की दर से खरीद रहा है? 1.80 रुपये की दर से वह जो है 45 अंडा खरीदता है। तो पहले उसका क्रय मूल निकालिएगा, पहले क्या निकालिए? क्रय मूल निकालिए कि वह जो है कुल कितना खर्च किया। तो पहले उसका जो है क्रय मूल निकाल लेते हैं। क्रय मूल कितना है? 1.80 रुपये की दर से वह जो 45 अंडा खरीद रहा है, तो उसका कुल क्रय मूल निकाल लीजिए। 1 0 ऊपर नीचा, 0 0 कैंसिल। अब इसको काट दीजिए, 5 2 10, 5 नवा 45, 2 नवा 18, 9 नवा 81 रुपया जो है उसका कुल खर्चा हुआ, 81 रुपया जो है उसका क्रय मूल हुआ। फिर बोल रहा है अंडा लाने के क्रम में, अंडा लाने के क्रम में 10 अंडा फूट जाता है। अब कितना अंडा रह गया? पहले था 45 अंडा और इसमें से जो है 10 अंडा इनकी फूट जाता है, तो इसमें 10 माइनस कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 35 अंडा जो है अब उसके पास बचा हुआ है। ठीक, अब इससे इनकी जो इनकी बचा हुआ अंडा है उसको वह जो है बेचता है कितना रुपये की दर से? 1.90 रुपये की दर से उसको जो है बेच देता है। तो विक्रय मूल निकालिएगा, विक्रय मूल निकाल लीजिए। विक्रय मूल निकलेगा अब इनकी 35 अंडा का, 35 गुना 1.90, 00 नीचे, 00 कैंसिल, 5 7 35, 5 2 9 10, यानी कि अब इसको अगर काटिएगा तो ये आता है 7 गुना 19/2। ठीक, ये हो गया इसका बड़े विक्रय मूल, ये विक्रय मूल हुआ और ये हुआ क्रय मूल। ठीक, अब जो है अगर इसे आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 19 7 हासिल 6 133/2, इसको इनकी भागा कर दीजिए, 6 दुना 12, 6 दुना 12, 5 दुना 10, यानी कि 66.05 रुपया जो मैं उसे जो है बेच दिया। ठीक है दोस्तों, इतना रुपया में जो है उसे जो है बेच दिया। अब देखिए इसमें कौन छोटा बड़ा है, तो क्रय मूल है बड़ा और हानि है मतलब इनकी विक्रय मूल है छोटा, यानी कि उसको जो है हानि हो रहा है। 81 रुपया में वह खरीद रहा है, 81 रुपया में वह खरीदा और उसको जो है बेच रहा है कितना रुपया में? 65.66 रुपया में, इसका मतलब हानि हो रहा है ना। तो हानि बराबर मैं यहां लिख रहा हूं, तो हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल माइनस विक्रय मूल, 81 माइनस 66 रुपया 50 पैसा। ठीक, इसको अगर घटाइएगा, 81.00, 66.50, तो 0 10 में से 5 गया, 5 यहाँ बच गया, 0 10 में से 6 गया, 4 यहाँ बच गया, 7 7 में से 6 गया, 1, यानी कि 14.50 रुपया जो है उसको हानि हो रहा है मतलब घाटा लग रहा है उसको। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो है यह लाभ हानि का बेसिक क्लास आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मैं इस पे कल और एक और क्लास लूंगा, इसमें क्लास जो है कल एक और मतलब लेंगी बेसिक क्लास होगा। आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छा तरह से वॉच कर लीजिएगा, अगर फिर भी कोई भी इनकी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो आज का क्लास आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।